नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटाजाइम सिरप के बारे में। इस सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसमें क्या कंपोजिशन है, इसकी मार्केट प्राइस क्या है और इसकी डोजेस क्या होती है और इस सिरप के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो इन सब के बारे में आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अगर हम इस सिरप के कंपोजिशन की बात करें तो इस सिरप के अंदर बहुत सी जड़ी बूटियों को मिलाकर इसके अंदर डाला गया है, जैसे कि अजवाइन, काली मिर्च, बड़ी हरड़, पुदीना, सफ़ेद जीरा, सौंठ, पिपली, सौंफ, आंवला, बहेड़ा, नौसादर, चित्रक। इसके अलावा और भी कई सारी महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों को मिलाकर इसके अंदर डाला गया है। अगर हम इस सिरप के मार्केट प्राइस की बात करें तो ये सिरप जो है आपको 155 रुपए में 200 ml की पैकिंग में मिल जाता है और ये एक आयुर्वेदिक लीवर टॉनिक होता है और इसको एल्वो लाइफ साइंसेस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम इसके यूजर्स की बात करें तो इंटाजाइम सिरप का इस्तेमाल पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याओं को ये सिरप ठीक करता है। यदि किसी को इनडाइजेशन की समस्या रहती हो, व्यक्ति को पेट में गैस बनना, एसिडिटी रहना, डकारे आना, पेट फूलना और पेट में जलन होना जैसी समस्याएं होती हैं तो इन सारी समस्याओं को ये सिरप ठीक करता है। इसके अलावा यदि किसी का लीवर जो है सही से कार्य नहीं कर रहा हो, लीवर के सेल्स डैमेज हो गए हों तो ये सिरप जो है ये उन सेल्स को भी रिपेयर करता है और लीवर को मजबूत बनाने का काम करता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल यदि किसी को जॉइंटिस हो जाता है जिसमें मुख्यतः लक्षण जो होते हैं व्यक्ति को उल्टी जैसा लगना, उसकी स्किन और नाखून जो है पीले हो जाना, व्यक्ति की खाना खाने की इच्छा ना होना, तो इस तरह की जब समस्याएं होती हैं तो उस कंडीशन में भी ये सिरप जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल यदि किसी का लीवर फैटी हो गया हो, लीवर में सूजन आ गई हो तो ये सिरप उस कंडीशन में भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा यदि किसी को बार बार दस्त लगने की समस्या रहती हो तो ये सिरप उस स्थिति में भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा यदि किसी को भूख कम लग रही हो, व्यक्ति का वजन कम हो गया हो तो ये सिरप उस कंडीशन में भी फायदेमंद होता है और ये सिरप जो है लीवर में हार्मफुल टॉक्सिन्स, ऐसे पदार्थ जो लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं, ये उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है और लीवर के जो सेल्स होते हैं ये उनको डैमेज होने से बचाता है और लीवर को मजबूत करने का काम करता है। अगर हम इसकी डोजेस की बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति में जो इसकी डोज होती है, एडल्ट व्यक्ति को ये सिरप 10 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। और अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को, जैसे कि कोई बच्चा 7-8 साल का है तो उसे जो है ये दवा 5 ml दिन में 2 से 3 बार दी जा सकती है। और अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये एक आयुर्वेदिक टॉनिक होता है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखा गया है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी इंटाजाइम सिरप के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।